हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 113 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा SICI पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है BSC अकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। देखो आज का सवाल क्या बोल रहा है। सवाल शुरू करने से पहले मैं एक कैलकुलेशन का वे बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं। किसी भी संख्या को अगर हम लोगों को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे सपोज डैट 4, 5, 6 है, हमको 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं। 6 का 6 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। बहुत लोग इससे फैमिलियर होंगे, जस्ट हम फिर इसको रिमाइंड करा दे रहे हैं, क्योंकि यही कैलकुलेशन हम लोग को ये पूरे सवाल में करना है, ठीक है। 6, 5 हमारा क्या हो जाएगा, 11, 1 हाथ में कैरी, 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9, 1 कैरी था जुड़ जाएगा 10 का, 0, 1 हाथ में, 4 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, यानी 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 5016, ठीक है। यानी 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग ये वे को यूज़ करते हैं। पूरे सवाल में हम लोग को यही करना है, ठीक है। देखो सवाल में क्या है, पंकज बोरोज 45,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% CI, ठीक है, 10% CI पे वो बोरो करता है। ही रिपेज इट इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, वो उसे 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिपे करता है। डेट आर इन AP, जब 3 चीज़ें AP में होती हैं तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, A-D, A, A+D से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ही एंड्स अप बाय पेइंग 54,000 टोटली, वो 54,000 रुपये टोटल पे करता है। तो बोल रहा है हाउ मच डिड ही पे इन ईयर वन, पहले साल उसने कितना पे किया, यानी कि A-D पहले साल पे किया था और इसी का मान निकालना है। देखो टोटल वो जो पे कर रहा है 54,000, यानी कि हम बोल सकते हैं A-D प्लस में ए प्लस में ए प्लस डी, जो वो टोटल मिला के दे रहा है वो दे रहा है 54,000। यहाँ से डी डी हमारा ख़त्म हो जाएगा, 3A = 54,000, और यहाँ से ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 18,000, ठीक है। ए निकल गया, मुझे डी निकालना है। अब इसी को निकालने में थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होगा, पहले साल में उसने स्टार्टिंग में लिया था 45,000 रुपये, ठीक है। अब जब एक साल पे इंटरेस्ट लग रहा है तो एक साल पे मतलब क्या हो जाएगा, 110/100। इसी को ही हम लोग अगली बार से 110/100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1.1 लिखेंगे, ठीक है। 110/100 इंटरेस्ट लग गया इज इक्वल टू जो अमाउंट दिया हमारा, वो ये हमारा टोटल क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। ये टोटल हमारा क्या हो गया, अमाउंट। अब जो दूसरे साल आएगा, दूसरे साल वो क्या आएगा, पहले साल में वो इंस्टॉलमेंट पे कर दिया होगा A-D। अब दूसरे साल जो प्रिंसिपल बनेगा, वो प्रिंसिपल हमारा क्या बनेगा, 45,000 110/100, और इसी में हम लोग माइनस कर देंगे कितना हम लोगों ने पे किया, हम लोगों ने पे किया 18,000 माइनस में डी पे किया, यानी कि A-D हम लोगों ने पे कर दिया, ठीक है। यानी सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसी को फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 31500 और प्लस में क्या 80 से सॉल्व कर लेना है, बस यही एक है। मैंने पहले ही बोला कि इस सवाल में हर जगह मुझे 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और नॉर्मल से कैलकुलेशन करनी है। तो हम लोग कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट ना करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधे इसको डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग कैलकुलेशन इसको कर लेंगे, ठीक है। 31500 प्लस में क्या हो गया, हमारा डी हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, हमारा दूसरे साल का ये क्या काम करेगा, प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। तो सेकेंड ईयर में जब हमारा प्रिंसिपल हो गया, मालूम हो गया हमें 31500, ठीक है, प्लस में डी, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि 110/100, जिसे हम लोगों ने क्या लिखा था, 1.1, ठीक है। अब जब ये लगा दिया हम लोगों ने तो ये हमारा क्या बन गया, अमाउंट बन गया, ठीक है। जब अमाउंट बन गया तो दूसरे साल में मैंने कितना पे किया, ए पे किया, ए का मान यानी कितना, 18,000। यानी दूसरे साल में मैंने जब 18,000 पे कर दिया तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, तीसरे साल का प्रिंसिपल मिलेगा। तीसरे साल का प्रिंसिपल यानी कि इसे सॉल्व कर लूंगा तो मैं, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 16650, ठीक है, प्लस में 1.1D, यानी कि ये जो हमारा हो गया थर्ड ईयर का क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल फिर इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 16650, ठीक है, प्लस में 1.1D, और इसी को हम लोग फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, और इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा हमें 18,000 और प्लस में कितना डी, ठीक है। यानी इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 18,000 प्लस में डी, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो हमारा कितना है, A+D है, ठीक है।
अब यहाँ पे ए प्लस डी जब हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट है, यानी कि वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गई हमारी, और इसे सॉल्व करने के बाद ऐसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हमारा जो अमाउंट हो जाएगा, यानी कि तीसरे इंस्टॉलमेंट में देखे मैंने पैसा क्लियर कर दिया। अब जब क्लियर हो गया हमारा, चूंकि अगर यहाँ पे आप बोलोगे माइनस क्यों नहीं करे, जब हमें फोर्थ ईयर में आना होता तब हम माइनस कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट बन रहा है वही अमाउंट देके हमने क्या किया, अपना क्लियर कर लिया। और वो अमाउंट कितना मैंने दिया, इधर से 18,000 प्लस में दी, और इधर से जो प्रिंसिपल था उस पर जब इंटरेस्ट लगाए तो इधर से हमारा ये अमाउंट हो गया, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट हमारा तीसरे साल का हो गया। इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद, फर्दर सॉल्व करने के बाद फिर देखो वही चीज़ें हो रही हैं, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा नहीं। सेकेंड ईयर में भी 315 को 1.1 यानी कि 11 से मल्टीप्लाई करना है, 16650 को हम लोगों को किसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब ये 11 से ही कंडीशन, 11 की चीजें मैंने बता रखी हैं, तो इसी को फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी -1500, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आएगी, -1500। डी जब -1500 में हमारा आ गया तो मैंने क्या बोला था आपको सवाल में, पूछ क्या रखा है, हाउ मच डिड ही पे इन ईयर वन, फर्स्ट ईयर उसने कितना पे किया था। फर्स्ट ईयर तो उसने ए माइनस डी पे किया था, यानी कि मुझे जो आंसर मिलेगा वो ए माइनस डी से मिलेगा। ए की वैल्यू मेरी 18,000 है, माइनस कर दिया मैंने -1500, ठीक है। और इसी को जब मैं ऐड करूंगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18,000 में जब 1500 ऐड हो जाएगा तो यही मुझे देगा 19500। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 19500। तो इस सवाल में बेसिकली हम लोग को क्या मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी कि यहाँ पे हमें ये 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चीज़ों को समझना की कोशिश करो कि जब तीन नंबर ए पी में होती हैं तो वो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी में होती हैं, ठीक है। बेसिक जो फंडामेंटल है इस सवाल को बनाने का वो यही है कि हम लोग इस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, और थर्ड ईयर में हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, ठीक है। नॉमिनल सा कैलकुलेशन है ये, थर्ड ईयर में भी आप आराम से चाहें तो चेक करने के लिए कर सकते हैं कि आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो या नहीं, आपकी भी आंसर डी बराबर -1500 आ रही है कि नहीं। और मेरी यही सलाह है कि आप इसको जरूर करना कैलकुलेशन, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।